हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। वेक्टर को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो वी कैन से वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? स्ट्रेट लाइन विथ एन एरोहेड, विथ एन एरोहेड ओवर इट। ओके, चलो कैसे रिप्रेजेंट करते हो देखेंगे। एग्जाम्पल लेके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। इट्स अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। So here you can see that we have a velocity vector which have a magnitude 40 meter per second and heading towards what? East. So this car, velocity of this car is 40 meter per second and car is heading towards east. So here I want to represent this velocity vector. Okay. So how we can represent this velocity vector? By drawing what? Straight line with an arrowhead over it. So here I am drawing a straight line. Okay, in this direction, because this arrowhead indicates what direction? ये क्या indicate करता है? Direction indicate करता है। अब ये question होता है कि ये जो straight line है, वो कितना लंबा draw करेंगे? ठीक है? So the length of straight line, gives magnitude of vector and arrowhead gives direction. Arrowhead आपको क्या देता है? Direction देता है। और ये जो स्ट्रीट लाइन का लेंथ है, वो लेंथ कितना होगा? That length of that street line is equal to what magnitude of that vector. तो यहाँ पे अपने पास velocity vector है, जिसका magnitude कितना है? 40. ठीक है, तो यहाँ पे 40 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो हम लोग 4 सेंटीमीटर का एरो ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का एरो ड्रॉ करेंगे? 4 सेंटीमीटर का, मतलब यहाँ पे 0 है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 3, और यहाँ पे क्या है? 4 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ है इन अ सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक्सिस पे, तो यहाँ पे हम लोग एक स्केल चूज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल 40 मीटर पर सेकेंड हमें रिप्रेजेंट करना था, तो सर ने क्या किया? 4 सेंटीमीटर लेंथ का क्या कर लिया? एरो ड्रॉ किया। तो ये एरो की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो ये एरो की लेंथ अपनी बनती है वो कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड है। सो हियर आई कैन से लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, ओके, gives us what? Magnitude of vector and this arrowhead gives what? It gives the direction. Here this arrowhead, this one is known as a head of vector. इसको क्या बोलते हैं? Head of vector. And this one, origin from where arrow starts, is known as a tail of vector. इसको क्या बोलते हैं? इसको टेल बोलते हैं। ठीक है, अब वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल अल्फाबेट। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल अल्फाबेट। ओके, आइदर, ओके, अल्फाबेट रिटन इन आइदर इन, यू कैन से रिटन इन आइदर बोल्ड फेस, आइदर इन बोल्ड फेस और बाय पुटिंग एरोहेड ओवर इट। एग्जाम्पल,
वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, देखो फर्स्ट क्या है, या तो इसको बोल्ड लेटर में लिखो, जैसे कि यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखे हुए, और बाय पुटिंग एरोहेड ओवर इट। देखो यहाँ पे वेलोसिटी को भी से डिनोट करते हैं, तो उसके ऊपर क्या रख दिया, एरोहेड रख दिया। तो वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाय राइटिंग इट इन अ बोल्ड फेस, और यू कैन से बाय पुटिंग एरोहेड ओवर इट। ओके चलो, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, पुटिंग द वेक्टर इन अ मोड, पुटिंग योर वेक्टर इन अ मॉड्यूलस, और राइटिंग इट without modulus, without an arrow, without modulus, without an arrowhead। तो आप magnitude को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, और vector को ऐसे represent कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया representation of a vector with the help of graphical method, okay, और even say representation of vector in a plane, okay।